खेबड़ी के नाम से रील्स बनाने के लिए मशहूर इंदौर के जितेंद्र और पारुल को रील बनाने के लिए एक निगम कर्मी ने बगैर अनुमति के कचरा वाहन दे दिया। इस कचरा वाहन पर बकायदा उन्होंने शूट भी किया। इसके बाद अब इंदौर नगर निगम ने जोन क्रमांक 7 के जोनल अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों रील्स बनाने और शेयर करने का क्रेज हर किसी को है। रील्स बनाने के लिए एक युवक युवती ने नगर निगम के कचरा वाहन क्रमांक MP09GH5660 का ही इस्तेमाल कर लिया। लापरवाही का आलम यह है कि निगम कर्मी ने उन्हें रील बनाने के लिए अपना वाहन भी दे दिया। युवक युवती एक संवाद के बाद कचरा गाड़ी में बैठते हैं और घूमने फिरने चले जाते हैं। आप भी देखें यह वीडियो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जिस समय यह वीडियो शूट किया गया तब निगम का वाहन चालक कहीं नजर नहीं आया, ना ही कोई अन्य स्टाफ मौजूद था। वीडियो बनाने के लिए दोनों ने नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली थी। ऐसे में यदि कोई हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता है? सोशल मीडिया पर रील बनाने का काफी ट्रेंड है। ऐसे में आजकल की युवा पीढ़ी रील के व्यूज और लाइक के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इंदौर में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए युवक और युवती ने कचरा वाहन चलाकर दुरुपयोग किया। वायरल होने के बाद नगर निगम में जोन क्रमांक 7 के जोनल अधिकारी को नोटिस जारी किया है। ये हमारे वार्ड 31 का है, ड्राइवर कमल सिंघारे करके है। उसने गाड़ी इसलिए दे दी थी, उससे पूछा, मैंने जानकारी ली थी कमल से, तो उसने बताया कि सर्वेक्षण के लिए, उनने बोले हमारे को सर्वेक्षण के लिए वीडियो बनाना है, तो वो उसने वीडियो बनाने के लिए उसको दे दिया। वो उसको ये जानकारी नहीं थी कि ये ऐसे रील बनाना है इस पर, तो उसने सर्वेक्षण के लिए दे दी, क्योंकि एनजीओ के लड़के भी ऐसे रहते हैं, तो वो पहचान नहीं पाया उनको और वो उनने उस पर रील बना ली। हाँ, ये उसकी गलती है, उसने बगैर हमसे पूछे और उसने वो गाड़ी दे दी उनको। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी उसको हमने नोटिस दिया है और उसकी जो भी वर्कशॉप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।